हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पूनम समंद्रा सो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्री प्राइमरी का पेपर वन जो कि कल मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और आ, अभी मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ जो पेपर टू था उसमें आ, टोटली साइकोलॉजी आई थी चाइल्ड पैडागोजी पूछी गई थी और बाकी अदर कोई भी इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे बाकी उसमें जो थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे सो आइए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन है प्ले वे मैथड इज़ गिवन बाय सो फ्रेंड्स ये जो प्ले वे मैथड है ये किसने दिया था ये फ्रॉबल ने दिया था ऑप्शन फोर इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे इन विच स्टेज ओ चाइल्ड कैन डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सो फ्रेंड्स ये जो चार स्टेजस हैं ये जीन प्याजे की चार स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फार्मल ऑपरेशनल स्टेज सो इन चार स्टेजस में से जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें एक बच्चा जो है वो एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री कोहलर थ्योरी रेफर्स टू सो so फ्रेंड्स जो कोहलर थ्योरी है उसमें क्या दिया गया है तो एक्चुअल में जो कोहलर थ्योरी है वो इनसाइड थ्योरी के नाम से जानी जाती है और इसमें परसेप्शन एज अ होल के बारे में बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज द ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ मोर सो फ्रेंड्स जो इन्फेंसी है उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है बच्चे की नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसन्स सो फ्रेंड्स जो एडोलेसन्स है प्रॉब्लम एज को भी जो प्रॉब्लम एज है वो भी एडोलसेंस में आती है प्री एडल्टुड अडोलसेंस को बोला जाता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टोम भी अडोलसेंस uh, स्टेज को बोला जाता है बट जो स्मार्ट एज है उसको वो उस स्मार्ट एज एडोलसेंस को नहीं बोला जाता है सो so, इसका जो ऑप्शन फोर है वो करेक्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई क्यू रेंजेस फ्रॉम नाइन्टी टू वन हंड्रेड फिफ्टीन इज कंसिडर्ड एज सो फ्रेंड्स ये जो नाइन्टी टू वन हंड्रेड फिफ्टीन वाले बच्चे होते हैं ये एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स कहलाते हैं नेक्स्ट इस ब्लूम टेक्सोनॉमी फ्रेंड्स ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जा रहा है पीछे भी मैंने जो वीडियोज़ अपलोड की थी उनमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है सो हेयर क्वेश्चन इज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव कंटेंट प्रेजेंटेशन सो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ अबव रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट इन फाउंडेशन स्टेज द बिहेवियर ऑफ द टीचर शुड बी सो फाउंडेशन स्टेज एज यू ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू एन ई पी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फोर स्टेजेस दी गई है जिनमें जो फर्स्ट uh, स्टेज आती है फाउंडेशनल स्टेज सेकेंड प्री प्रेटरी स्टेज देन थर्ड इज़ मिडल स्टेज एंड फोर्थ इज सेकेंडरी स्टेज सो जो सबसे पहली स्टेज है जिसमें हमारे थ्री प्लस Uh, जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर होंगे उसमें एक जो टीचर है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए लाइक अ फादर लाइक अ मदर लाइक अ फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी जो टीचर का बिहेवियर है वो लाइक अ मदर होना चाहिए नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन पैडागॉजी रेफर्स टू सो फ्रेंड्स जो पैडागॉजी है उसका क्या मीनिंग है सो दैट इज़ अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर टेन टॉय एज टॉय एज रेफर्स टू सो फ्रेंड्स जो टॉय ऐज होती है बच्चे की वो अर्ली चाइल्ड हुड अर्ली चाइल्ड हुड जो एज होती है उसे टॉय ऐज कहा जाता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाट द करैक्टरस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड सो अर्ली चाइल्ड हुड में जो प्योरिटी है ये अर्ली चाइल्ड हुड का जो करैक्टरस्टिक नहीं है इमिटेशन एंड टॉय एज दोनों ही अर्ली चाइल्डहुड के करैक्टरस्टिक्स हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द बेस्ट वे टू स्टडी द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज सो फ्रेंड्स ये जो मैथड है उसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव मैथड ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ सो फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है एंड क्वान्टिटेटिव भी होती है सो so ऑप्शन जो थ्री है वो इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अप टू एडोलिसंस अप टू एडल्ट हुड सो फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये कभी भी खत्म नहीं होती है नेक्स्ट इज रिफ्लैक्स मोटर फेज सो फ्रेंड्स ये जो रिफ्लैक्स मोटर फेज़ होता है ये अप टू वन ईयर होता है बट अप टू वन ईयर का ऑप्शन यहाँ नहीं था सो वर्थ टू सिक्स मंथ्स वाला जो ऑप्शन है इसमें यह करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जेनेटिक थ्योरी इज गिवन बाय सो so, जो जेनेटिक थ्योरी है वो ग्रेगर मैंडल ने दी थी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग इज़ गिवन बाय सो जो एक्सपीरियंस लर्निंग जो थ्योरी थी वो डेविड गोल्व ने दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ आर टी ई सो फ्रेंड्स आर टी ई जो फुल फॉर्म है वो राइट टू एजुकेशन होती है जो कल के पेपर्स थे उनमें फुल से, उन से पूछी गई थी जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए देन फुल फॉर्म ऑफ ई सी सी ई तो फुल फॉर्म ऑफ ई सी ई ही होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ई सी सी ई अटैच्ड विद सो जो ई सी सी ई ही है जो पहले आंगनबाड़ी कहलाते थे वो किस से अटैच्ड हैं सो so, फ्रेंड्स ये जो सबसे जो फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज उससे ये इसको अटैच किया गया है अब जो आंगनबाड़ी जैसे बाल बाटिका कहा गया है वो हमारे जो फाउंडेशन स्टेज है उससे अटैच्ड है हमारे जो प्री प्राइमरी स्कूल होंगे उनसे ये अटैच्ड है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टेज विच स्टेज हैजन मैक्मम चेंजेस सो फ्रेंड्स कौन सी स्टेज में ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इसका आंसर मुझे अभी मिला नहीं है तो आई थिंक इसमें जो फर्स्ट uh, वाली हमारी स्टेज है फाउंडेशन स्टेज उसमें ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं बाकी आप ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लीजिएगा क्या सही आंसर है कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा देन नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट इज़ कॉल्ड सो फ्रेंड्स ये जो सेल्फ असेसमेंट है इसको हम कहते हैं सेल्फ एवेलुएशन ऑप्शन बन इज़ द करेक्ट आंसर देन कुछ क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स पोम्स से भी पूछे गए थे पोम्स की लाइन सी थी और उस उनके राइटर्स पूछे गए थे जो भी पोम्स जो हैं वो आ, हम स्मॉल बच्चों को सिखाते हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि उनके राइटर्स कौन हैं ये था साइकोलॉजी सेक्शन जो एन का सेकंड पेपर था उसका साइकोलॉजी सेक्शन बाकी आज भी कुछ एग्ज़ाम हैं आज के वीडियोस की भी एनालिसिस मैं लेके ज़रूर आऊँगी उसके लिए बने रहिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स थैंक यू